हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। यहां पर देख सकते हैं एक छोटा सा कोड मैंने टाइप किया है और ये कोड जो है 3D CSS के लिए है, यानी 3D में 3D स्टाइल में मैं CSS के थ्रू कलर प्रिंट कराऊंगा और कुछ लिखा हुआ भी आएगा। अब यहां पे देख सकते हैं लिखा हुआ है वेलकम टू कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल, तो ये लिखा हुआ आएगा। बाकी यहां पर देख सकते हैं ये नोट लिखा हुआ है दिस प्रोग्राम इज क्रिएटेड बाय सूरज सर, ये भी लिखा हुआ आएगा। तो चलिए एक बार इसको रन करवाते हैं। तो पहले एक बार इसको सेव करेंगे, तो यहां से क्लिक करके इसको सेव किया, फिर इसको यहां से रन करवाता हूं। तो जैसे ही रन कराएंगे तो ये कुछ इस तरीके का कलर जो है प्रिंट करके हमें देगा। आप देख सकते हैं यहां पर ये प्रिंटिंग कुछ इस तरीके की आएगी। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आएगा, देख सकते हैं ये 3D स्टाइल में CSS के थ्रू मैंने प्रिंट कराया है। अब ये प्रोग्राम कैसे बनाएंगे एक बार चलिए आपको बताता हूं। यहां से चलेंगे, न्यू फाइल लेंगे और यहां पे न्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहां पर कोडिंग हमें करनी है, तो यहां पर मैं स्टार्ट करता हूं सीधा HTML से। वहां पे डॉक टाइप HTML से स्टार्ट किया था, वहां पे डॉक्यूमेंट टाइप मेंशन किया था मैंने। तो यहां पे हेड लगाऊंगा और टाइटल की तो फिलहाल जरूरत नहीं, लेकिन चलिए टाइटल लिख लेते हैं TITLE टाइटल। तो टाइटल हम क्या देंगे, टाइटल में मैं दे देता हूं हाउ टू प्रिंट 3D ग्रुप कलर, GROUP ग्रुप कलर, ठीक है। तो ये लिख दिया ग्रुप कलर कुछ इस तरीके से, और ये लिखने के बाद इसको क्लोज कर देंगे इस तरीके से, TITLE टाइटल हो जाएगा, ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो गया। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, स्टाइल टैग का यूज करना है। स्टाइल टैग क्यों मैं यूज कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन है क्योंकि स्टाइल टैग यूज होता है CSS में। तो यहां पर स्टाइल टाइप लिखूंगा मैं इज इक्वल टू टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, इस तरीके से हम दे देंगे। तो टेक्स्ट ऑब्लिक CSS आपको यहां पे दे देना है कुछ इस तरीके से। तो ये लिख दिया टेक्स्ट ऑब्लिक CSS, ठीक है। डबल कोट्स को क्लोज करेंगे, ये ब्रैकेट भी यानी एंगुलर ब्रैकेट भी हो जाएगा क्लोज। अब यहां पर मैं लिखता हूं H1 डॉट ग्रुप, कौन सा कलर लगाएंगे, ग्रुप कलर, ठीक है। 3D स्टाइल में ये प्रिंट होके आएगी। यहां पर कैलिब्रेशन को ओपन कर लेता हूं और यहां पर कलर रखूंगा मैं, ये देखिए ये लिया मैंने कलर, और कलर कौन सा रखेंगे हम, तो यहां पे लगाते हैं कॉलन और यहां पे मैं कलर रखने वाला हूं ब्लू। कौन सा कलर रखेंगे, तो ब्लू कलर रखेंगे। और यहां पर आपको करना है टर्मिनेट, यानी सेमी कॉलन लगा देने से हो जाता है टर्मिनेट। अब बात करते हैं टेक्स्ट किधर आएगा, तो टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट को अलाइन कर लेते हैं। कहां पे अलाइन करेंगे, तो टेक्स्ट अलाइन हम कर लेते हैं सेंटर में। तो यहां पे लगाएंगे कॉलन और फिर लिखेंगे यहां सेंटर। जैसे ही सेंटर लिखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सेंटर आ गया है, और इसे भी कर देंगे टर्मिनेट। आफ्टर राइटिंग दिस वी हैव टू राइट हियर बॉर्डर, बॉर्डर हमारा कैसा दिखेगा, यहां पर बॉर्डर की विड्थ कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, वो मेंशन करना है। तो यहां पे चौड़ाई में ज्यादा नहीं रखूंगा, केवल 20 पिक्सल, चौड़ाई 20 पिक्सल रख ली। यहां पर बॉर्डर की स्टाइल क्या होगी, तो बॉर्डर की जो स्टाइल होगी वो कैसी होगी, यहां पर कोलन लगा करके वो बता देंगे। तो हम ग्रूव स्टाइल चाहते हैं GROUP, तो ये हो गया ग्रूव स्टाइल। और फिर यहां पर टर्मिनेशन आपको देना है, जैसे टर्मिनेट करेंगे यहां पर इसका काम हुआ पूरा। तो यहां पे ब्रैकेट ऑलरेडी क्लोज है, हमें करने की जरूरत नहीं, पहले ही क्लोज हो गया है, ठीक है। मैं यहां पे ब्रैकेट टेक्स्ट एडिटर को यूज कर रहा हूं, और फिर यहां पे स्टाइल को क्लोज करना है। तो पहला काम यहां पे स्टाइल को क्लोज कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये स्टाइल क्लोज हो जाएगा, स्टाइल को क्लोज करने के बाद हेड को क्लोज करेंगे और फिर बॉडी टैग को ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हेड को क्लोज किया और फिर यहां से बॉडी टैग को ओपन करेंगे, तो ये बॉडी टैग हो गया, क्लियर। अब यहां पर देखिए H1 टैग का इस्तेमाल कर रहा हूं, ये हेडिंग टैग 1 है, लेकिन चूंकि हम CSS यूज कर रहे हैं तो यहां H1 नहीं लिखेंगे, हम यहां लिखेंगे H1 स्टाइल, ठीक है। इज इक्वल टू क्या देंगे, टेक्स्ट अलाइन। तो डबल कोट्स ओपन करेंगे, फिर लिखेंगे टेक्स्ट डैश अलाइन ALIGN, इस तरीके से आपको लिख देना है। टेक्स्ट किधर की तरफ अलाइन होगा, सेंटर की तरफ, तो CENTER सेंटर कर दिया। और कलर कौन सा होगा, तो कलर हम यहां कर देते हैं रेड, कौन सा कलर करेंगे, रेड, RED रेड कर दिया। अब रेड करने के बाद क्या करना है, डबल कोट्स को क्लोज करना है, और क्लोज भी करने के पहले यहां पर देना है टर्मिनेशन। तो ये टर्मिनेशन देकर के तब हम क्लोज करेंगे डबल कोट्स को, और यहां पर इस तरीके से हम इसको क्लोज कर देंगे, यानी एंगुलर ब्रैकेट को भी कर देंगे क्लोज। अब यहां पे मैं लिखता हूं वेलकम टू कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल, कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया है, और इसको लिखने के बाद यहां से अब क्या करना है, आपको एंटर कर देना है और यहां पर H1 को क्लोज कर देना है, ठीक है। तो ये H1 क्लोज हो गया,
अब यहां पर मैं क्या करता हूं, एच वन की एक क्लास बनाता हूं, एच वन की एक क्लास बनाएंगे तो टैग के अंदर लिखूंगा एच वन क्लास, कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है एच वन क्लास इज इक्वल टू कैसा ये प्रिंट होगा, तो ग्रुप जी आर डब्ल्यू वी, ठीक है। अब ये लिखा हमने और लिखने के बाद डोमेटेड कोर्स को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। और फिर यहां पे मैं लिख देता हूं बॉर्डर की स्टाइल कैसी होगी, ग्रूवी होगी, तो यहां लिखेंगे ग्रूव बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर और फिर लिख देंगे स्टाइल। तो इस तरीके से ये मैंने लिख दिया। अब इसको क्लोज करेंगे तो यहां से एच वन को कर दिया क्लोज, जैसे ही एच वन को क्लोज करेंगे तो फिर एंटर करके नीचे आएंगे और एच टू में एक और टैग जो मैं आपको पहले बता चुका हूं स्ट्रॉन्ग टैग, स्ट्रॉन्ग टैग का मैं यूज करने वाला हूं। तो ये स्ट्रॉन्ग टैग यूज किया, जैसे स्ट्रॉन्ग टैग यूज करेंगे तो यहां पे मैं लिख देता हूं नोट लिख देता हूं, इस तरीके से नोट लिख दिया। और नोट लिखने के बाद क्या करना है आपको, ये कुछ इस तरीके से दे देते हैं, ये लिख दिया। अब यहां पे स्ट्रॉन्ग टैग को भी क्लोज कर देंगे, एस टी आर ओ एन जी स्ट्रॉन्ग, तो ये क्लोज हो जाएगा। और क्लोज करने के बाद एंटर करके नीचे आइएगा और एंटर करके नीचे आने के बाद अगर कुछ और भी देना चाहते हैं तो यहां पे दे सकते हैं, ठीक है। दिस प्रोग्राम इज मेड बाय सूरज सर, ठीक है। ये लिख दिया मैंने अपना नाम, आप अपना नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कर दिया हमने और यहां पे हमने लिया था H2, तो यहां H2 को आप क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद बॉडी और HTML को भी क्लोज कर देंगे, तो पहले बॉडी फिर HTML क्लोज हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा पूरा। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं कि हमने क्लोज कर दिया। अब इसको कंट्रोल S से सेव कर लेंगे, तो यहां पर मैं इसे जी आर डब्लो वी ई ग्रुप डॉट एस टी एम एल के नाम से इसे सेव कर देता हूं। तो ये सेव हो गया हमारा। अब क्या करना है, अब यहां से इसको रन कराना है, देखते हैं रन होता है या नहीं। तो ये क्लिक किया हमने, अब यहां पर जैसे ही ये रन होगा तो आप देखेंगे कि कुछ इस, अब देख सकते हैं मैं लिखा हुआ प्रिंट होके आ रहा है, देख सकते हैं कि नहीं, यहां पे ये कौन सा कलर आ रहा है, देखिए ये ग्रुवी स्टाइल है, ग्रुप वाली स्टाइल है, समझ में आ रहा है, ये ग्रुप वाली स्टाइल है, क्लियर। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आ रही होगी आपके, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। यहां पर आप चीजों को चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप कुछ यहां पे चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहां से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर मैंने बॉर्डर कलर नहीं दिया है, ये ग्रुप तक लिखा है और यहां पर अगर मैं बॉर्डर का कलर दे देता हूं तो बॉर्डर पे कलर भी आएगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं बॉर्डर कलर, ठीक है, तो बी ओ आर डी ई आर बॉर्डर और डैश लिख दिया कलर। कलर की स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा सी ओ एल ओ आर होगी और यहां पे कॉलन लगाइएगा। यहां पर आप चाहे तो हेक्साडेसिमल कोड लिख सकते हैं या कलर का नाम भी सीधा ही दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे मान लीजिए एक्वा कलर मैं देना चाहता हूं, तो यहां पे एक्वा कर दिया मैंने कुछ इस तरीके से। और एक्वा करने के बाद क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, यहां पर ऑलरेडी ये क्लोज हुआ पड़ा है तो बस इसको सेव कर दीजिएगा कंट्रोल एस करके, ये सेव हो जाएगा। अब इसको यहां से रन करवाते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर आउटपुट आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप का मिलेगा, ठीक है। तो यहां से ये रन करवा दिया है मैंने, तो यहां पर देखेंगे कि आउटपुट थोड़ा डिफरेंट टाइप का आपको दिखेगा, ये देखिए ये थोड़ा डिफरेंट आपको दिख भी रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। हमसे रिक्वेस्ट भी करी गई थी कि इस तरह का जो प्रोग्राम बता रहे हैं तो डेमो ना दिखा करके पूरा बताया जाए, तो ये पूरा ही प्रोग्राम मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको खूब ज्यादा शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ कुछ और डिमांड हो तो मुझे बताते रहिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।